ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के छोटे से गांव गोकलपुर की, जहां गांव का जोहर ओवरफ्लो रहने के कारण पिछले 7 वर्षों से गांव का दूषित पानी गांव के मुख्य मार्ग पर जमा हो रहा है। इसकी शिकायत सरपंच, खंड एवं पंचायत अधिकारी को दी गई। इतना ही नहीं, 3 बार CM विंडो पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन समाधान के नाम पर वही ढाक के 3 पात। शिकायतकर्ता एक ग्रामीण ने तो पंचायत अधिकारी पर ही धमकाने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। समस्या से परेशान ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में कहा, समस्या का समाधान नहीं तो पंचायत चुनावों में वोट नहीं। वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में जब हमने खंड एवं पंचायत अधिकारी से उनका पक्ष जानने उनके दफ्तर में पहुंचे, तो पहले तो वह मीडिया से बात करने को तैयार ही नहीं हुए, लेकिन बाद में कहा कि 2 दिन पूर्व ही ये मामला उनके संज्ञान में आया है, आज मौका मुआयना कर जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 1 दिन पूर्व हुई बरसात के कारण संबंधित विभाग का पूरा परिसर खुद बरसात के पानी में डूबा हुआ है। गांव की समस्या की तो बात ही दूसरी है। मेरा नाम हितेश कुमार है। हितेश जी, गांव की क्या समस्या है जो रास्ते के बीच में पानी? ये गांव की समस्या ये है कि ये काफ़ी सालों से गांव का जोहड़ है, ये पीछे ये ओवरफ्लो हो चुका है, ओवरफ्लो पानी यहाँ पे आ जाता है। अब नालियों का गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है। 2017 से मैं इसकी CM विंडो पे कम से कम 6 बार कंप्लेंट लगा चुका हूँ, 3 बार अपने नाम से, 3 बार मेरे साथी नवीन के नाम से, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। सरपंच राजनीति के चक्करों में कुछ नहीं कर पा रहा है। अब तो खैर सरपंच है ही नहीं फिलहाल तो, लेकिन उसने कहते हुए भी उससे मैंने 4 बार कहा, लेकिन उसने कोई समाधान नहीं। किसी अधिकारी से मिले? हाँ जी, मैं BDO PO से मिला हूँ। BDO PO से लिखित शिकायत दी थी अभी पिछले महीने 15/6 को, लेकिन BDO PO से जब तुम ऑफिस में मुलाकात नहीं हुई। शिकायत देने के बाद कल परसों उनसे बात हुई तो कहता है नहीं करूँगा, कर ले क्या करेगा, धमकी देता। नीरज नाम है उनका, BDO PO का। क्या उसके बाद आपने जिला उपायुक्त को शिकायत नहीं की? जिला उपायुक्त के लिए कंप्लेंट लिख रखी है, उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। फोटो भी मैंने खींच रखी है, फोटो भी निकलवा रखी है इसके लिए। कितनी समस्या आती है यहाँ पर? आप देख सकते हो 70% जनसंख्या गाँव की आबादी इस साइड जाती है, खेतों के लिए, पीने के पानी के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, नौकरी करने के लिए जाते हैं, सभी निकलते हैं। अब स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बिल्कुल सारी गाँव के लिए समस्या बनी हुई है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूँ इसका जल्द से जल्द समाधान करें, एक बार खुद दौरा भी करें गांव का, ताकि देख सके समस्या कैसे लोगों को। पानी को लेकर ये पानी 5-7 साल से भरता है, यहाँ के सरपंच भी जाता है, मुखिया उखिया सब जाते हैं, लेकिन बहुत परेशान है हमें। इस पानी से कोई सुनाई नहीं कर रहा इस पानी की, इसलिए हम आगे वोट जब देंगे जब इस पानी का कोई समाधान होगा, इससे पहले हम वोट नहीं देंगे। क्या समस्या और कब से ये समस्या है? ये तो जी कई साल से हो रही है और ये आप देख ही रहे हो इसको, तो बताने की जरूरत नहीं। जो फोटो आप दिखाओ आगे जाके, जो भी काफी कोशिश कर ली इसकी। देखिए, सरपंच इसलिए चुना जाता है कि गांव की समस्याओं का समाधान करे, तो सरपंच ने आज तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जब कई सालों से? ये सरपंच खुद यहाँ से निकलता, कुंभवास का गोकलपुर की एक पंचायत थी, कुंभवास का सरपंच था, उसने खूब रोजाना यहीं से निकलता था। वो आंख बंद करके निकलते हैं, दिखाई नहीं देता उन्हें कि समस्या है गांव की, इसे ठीक कराना चाहिए। नहीं कराया जी उसने। अधिकारी क्या बोलते हैं? अजी अधिकारियों को तो वही सरपंच ही बोलता है, बोलो मेरे पास ग्रांट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तब तो क्या करें, बोलो कहीं जगह नहीं है ले जाने के लिए, इसको पानी को निकालने के लिए। लेकिन हमारी सरकार तो कहती है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी विकास कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र का ये सरकार को आप पत्रकार हैं, आप दिखाओ भाई ये गांव ऐसे, ये हमने तो यहाँ तक कि SDM को और सब कुछ ले ला के यहाँ दिखा लिया, पर कोई कार्रवाई नहीं है। आए गांव के पानी भरा हुआ है, कितनी समस्या है? पूरी समस्या है, बिल्कुल हर एक आदमी परेशान है, यहाँ से आने जाने वाला, कोई खेत में जाने वाला हो या गाँव में दूसरी जगह जाने वाला हो, हर एक आदमी को परेशानी है। अधिकारी नहीं सुनते हैं, सरपंच नहीं सुनता। ये पिछले कम से कम 6-7 साल से हर जगह शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। आप वोट देते हैं सरकार को, सरपंच को, इसलिए देते हैं ना कि गांव की समस्याओं का समाधान हो? देते इसीलिए, लेकिन समाधान किसी भी चीज़ का नहीं हुआ। जो ये है पिछले का 10 साल से ये परेशानी चल रही है।
मेरा नाम पुलकित है। पुलकित, क्या कहोगे इस समस्या को लेकर, कितनी समस्या आती है आप लोगों को? हमको बहुत ज्यादा समस्या आती है क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम खेल नहीं पाते हैं, तो इसके अलावा और हम स्कूल में जाकर टीचर से डांट भी खानी पड़ती है हमको। क्या अपील करेंगे प्रशासन से कि इसको जल्दी जल्द समाधान किया जाए इसका? खुशबू, कितनी समस्या आती है शाम को खेलने में, स्कूल जाने में? बहुत ज़्यादा समस्या आती है स्कूल जाने में, इसमें यूनिफॉर्म गंदी होती है, हमें डांट भी खानी पड़ती है, हम इसमें खेल भी नहीं पाते। क्या कहोगे सरकार से? हम चाहते हैं कि इस पानी का जल्दी से समाधान करें। पिछले 7-8 साल से लगातार एक समस्या बनी हुई थी, गांव के बीचों बीच पूरे गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, गांव वालों को काफ़ी परेशानी है। 3 बार CM बिंदु पर भी शिकायत दी गई गांव वालों की तरफ से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। देखिए जी, मेरे संज्ञान में खबर 2-3 दिन पहले ही आई है और अभी हम मौके पर जाकर मौके का ढंग से निरीक्षण करके जो भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा गाँव वालों की सहमति से उसे करने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद ही हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। एक बार जो शिकायत है उसका ढंग से जायज़ा ले लिया जाए, उसके बाद जो होगा हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। क्या उम्मीद करें कि जायज़ा लेने के बाद कब तक ये समस्या का समाधान हो पाएगा? अगर वायबल सॉल्यूशन है, जितनी जल्दी हमारी तरफ से हो पाएगा हम उतनी जल्दी समस्या का समाधान करें।